की ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंचे। इसके बाद बस्ती में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। बस्ती में आयोजित चुनावी जनसभा में पहुंचने पर स्थानीय नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बस्ती से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। यही नहीं, हमारे गौवंश की चिंता करने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला भी सरकार ने लिया है। साथियों, भारत को सुरक्षित और संरक्षित और विकसित बनाने के लिए आप सभी को कमल के निशान पर बटन दबाकर 2014 का रिकॉर्ड तोड़ना है। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश रैलियों का रिकॉर्ड तो तोड़ रहा है। मैं सुबह निकलता हूं तो पहली रैली के बाद दूसरी रैली बड़ी हो जाती है, दूसरी के बाद तीसरी बड़ी हो जाती है, दोबारा आता हूं तो उससे भी बड़ी हो जाती है। रैलियां तो बहुत बड़ी कर रहे हो, आप वोटिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ना है और विजय का मार्जिन भी रिकॉर्ड करना है। करेंगे करेंगे, घर घर जाएंगे, अपना बूथ मजबूत बनाएंगे, मतदाताओं से मतदान करवाएंगे, कितनी ही गर्मी हो मतदान करवाएंगे। सुबह 10 बजे से पहले ज्यादा से ज्यादा मतदान करा लेंगे। जरा हाथ पर करके मुझे विश्वास दीजिए, करेंगे, पक्का करेंगे, सबके सब काम करेंगे। जितने भी अभी बचे हैं पूरी ताकत लगा देंगे। भाइयों बहनों, आप इतनी मेहनत करने वाले हो, जब लोग कमल के निशान पर पतन लगाएंगे ना, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और तुम भाइयों बहनों, 23 मई को 2007 गोरखपुर के गोलघर में सीरियल बम धमाके हुए थे, तब किसकी सरकार थी? इसी के ठीक 6 महीने बाद अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों में सीरियल ब्लास्ट हुए, तब किसकी सरकार थी? 2008 में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, तब किसकी सरकार थी? 2010 में काशी में दशाश्वमेध घाट पर जब बम फटा था, तब किसकी सरकार थी? बहन जी, सत्ता के लिए आप निर्दोषों के खून के वो निशान भूल सकती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के दिल पर गांव लगा है, उत्तर प्रदेश की जनता ये कभी नहीं भूल सकती। भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सत्ता के लिए सिद्धांतों को कैसे पांव तले रौंदा जाता है, उसके ये सबसे बड़े नमूने हैं, सबसे बड़े उदाहरण है।
सपा बसपा और कांग्रेस इन तीनों को वोट बैंक के गुणा गणित के ऐसी बुरी लत लगी है कि वो इंसान को भी एक मात्र उस गिनती और वोट का पताका समझते हैं। जैसे पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर होते हैं, ये इंसान को भी एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह मेरे पास 50 है, इस बात को ले जाओ, बदले में मुझे ये दे देना। मैं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति भूल सकता है क्या? यहाँ की माताएं भूल सकती है क्या? यहाँ के नौजवान भूल सकते हैं क्या? भारत माता की संतानों के खून के हर कतरे का, हर कतरे का बराबर हिसाब लेने के लिए ही देश ने मुझे बिठाया। आतंकी जमीन पर हो या पाकिस्तान है, ये मोदी है। घुस करके मारा जाएगा। भाई और बहनों, मुझे बदले में ये देना, ये समाजों का, जातियों का, समूहों का खरीद बिक्री कर रहे भाइयों, क्या हमारे देश का नागरिक इस प्रकार से कोई हमारे सौदे करें ये हमें मंजूर है क्या? ऐसे नेता हमको मंजूर है क्या? ऐसे दल हमको मंजूर है क्या? इस बार लोगों का जमीर जग चुका और जनता ने तय किया कि नेता अपने खातिर ये खरीद की बिक्री चला रहे हैं। एक दूसरे को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें मेरे दे दूं, चलता है। अब हम ये नहीं देंगे, हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। नागरिकों की काफी बात हो गया है, भक्ति की इस पवित्र भक्ति पर मुझे बहुत संतोष। भाइयों बहनों, आज पूर्वांचल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित हो रही है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज हो, गोरखपुर का एम्स हो, काशी में आधुनिक कैंसर अस्पताल, अब सामान्य से सामान्य परिवारों को नजदीक ही उत्तम इलाज मिलने की संभावना बनी है। देश और समाज के लिए खपने वाले लोग हैं। साथियों, नए नियम के साथ सही विकास यही हमारी शक्ति रहा। जनभागीदारी और जनभावना की राजनीति दंगे की चोट पर वोट ट्रांसफर करने का वादा करते हैं, दावा करते हैं। अरे महामिलावटियों, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन वो कभी टिकाऊ नहीं हो सकता है।
मेरे उत्तर प्रदेश के साथ ही मेरे यहां के वोटर किसी दल के बदलने से नहीं बदलते। नीति और नियत के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोग अपना मन लगाते हैं और यही कारण है कि महामिलावटी लोगों के बंधन की गांठ अब ढीली पड़ चुकी है। अब पाकिस्तान को या तो दिवालिया होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा या फिर अजहर जैसे आतंकियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान मजबूर हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान मजबूत हुआ है। संत कबीर नगर आज दुनिया देश के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपके इस आशीर्वाद का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। देश इस उपलब्धि से भारत की बढ़ती ताकत से गदगद है। शहीदों के परिवारों को सुकून मिला, लेकिन सपा बसपा उनकी नींद हराम हो गई है, कंफ्यूज हो गए, बहन कि उनकी सरकारों के दौरान हिंसक वारदातें कम होती थी। भाइयों बहनों, ये बहन जी सही बोल रही है क्या? ये सच बता रही है क्या? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। उनको रात के लिए आराम होनी चाहिए। ये बहन जी सही बोल रही है क्या? सही बोल रही है क्या? ये लोग कभी नहीं सही। मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश हैट्रिक लगाने वाला है, हैट्रिक लगाने वाला। भाग्य बहनों, विकास को ध्यान में रखते हुए आपने जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई थी उसने पूरी मजबूती से काम किया। आज आपका ये सेवक जब दुनिया के मंचों पर जाता है तो 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति का एहसास होता है। निकले उत्तर प्रदेश की सेवा करने निकले आपके इस सेवक के संस्कार और संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। जाति प्रांत और वर्ग भेद को दूर भगाएंगे। जाति प्रांत और वर्ग भेद को दूर भगाएंगे। दुख बेकारी बीमारी को मिटाएंगे। दुख बेकारी बीमारी को मिटाएंगे। पहले आप लखनवी मीडिया से बातें करते थे, वो चार चरण के बाद एक दूसरे का गला काटने के खेल खेल रहे। और 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा, शाम को कहने लगेंगे जो पहले आप कह रहे हैं ना, 23 मई को देख लेना, वो कहेंगे आप कौन। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, इतनी गर्मी में आए और ज्यादा लोग दूर।
भूख पे तप रहे हैं उनको विश्वास दिलाता हूं आपका ये तप बेकार नहीं जाने देगा। मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारा लक्ष्य है। बस्ती में कई वर्षों से बंद पड़ी मुंडेरवा चीनी मिल योगी जी के प्रयास से शुरू हो चुकी है। वही केंद्र सरकार जो पीएम किसान सम्मान योजना चला रही है उससे किसानों के खाते में सीधी मदद पहुंच रही है। दुनिया भर में कड़घरे में खड़ा किया जा रहा है। भारत के कहने पर आज हमारे गुनहगारों को भारत को सौंपा जा रहा है। आतंकवाद से लेकर काले धन पर आज भारत की बात पूरी गंभीरता से सुनी जाती है। भाई और बहनों, पाकिस्तान के करतूतों को लेकर पहले हमारी सरकार रोती रहती थी, उनको देश के दुश्मनों से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रहती थी। जो गरीब के गुंडों से निपटने तक की नीति नहीं बना सकते वो आतंकवाद और नक्सलवाद की बात तो छोड़ी। आप मुझे बताइए भाइयों, इतने चेहरे जो हवा में चल रहे हैं, जो 8 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं वो भी तैयार हो गए प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए, जो 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं उनके भी मुंह में पानी छूट रहा है, जो 40 सीट की चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने तो कपड़े सिलाने के लिए दे दिए हैं। ये इतने सारे चेहरे हैं प्रधानमंत्री बन के दावेदार। आप मुझे बताइए वो कौन सा चेहरा है जो आतंकवाद को खत्म कर सकता है? इतना में कौन है जो जी जान से लड़ सकता है? इन सब में कौन है जो सबका भला करना चाहता है? इन सब में कौन है जिसकी ईमानदारी पर देश भरोसा कर सकता है? इन सब में कौन है जो जातिवाद से ऊपर उठ करके सिर्फ अपने देश का सोचता है? आप मुझे मिलावटी गठबंधन और एनडीए की कार्य संस्कृति एक दूसरे से कितनी अलग है। किसान इसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम सरकार को दिल्ली से बाहर लेना चाहते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं। वही महामिलावटी है वो पद के लालच में दिल्ली आने को लगे रहते हैं, उसे बल दिया। इसलिए हमारी सरकार ऐसे लक्ष्यों को लेकर चल रही है जिसके बारे में पहले की सरकारें सोच भी नहीं सकती। 2022 तक देश के हर गरीब को घर देने का कार्य हो या किसानों की आय
तय करते हैं और मुश्किल लक्ष्य तय करने में हमें न कोई संकोच होता है न कोई झिझक होती है। आखिर मुश्किल लक्ष्य ही तो है जो हमसे मेहनत करवाता है, दौड़ाता है और जनता का भला होता है। हमारे तो कार्य संस्कृति ही लक्ष्य तय करने और उसे समय ऊपर पूरा करने की है। वो भी एक वक्त था हिंदुस्तान को रोते हुए नेता दिखते थे, आज एक वक्त है कि हिंदुस्तान देख रहा है पाकिस्तान रोता फिर रहा है। ये परिवर्तन तब आता है जब राष्ट्र सेवा सबसे ऊपर आते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि हाल में भारत को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनेक भारतीयों का, हमारे जवानों का खून बहाने वाले पाकिस्तान में जाकर के सहारा लेने वाले मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। इस मई को चुनाव के नतीजे आने वाले, याद है ना, 23 मई को आप जो वोट डालने वाले हैं उसका नतीजा 23 मई को आने वाला है। और इस समय तो पता चल गया होगा कि 23 मई को जब नतीजे आएंगे तब फिर एक बार जब मोदी सरकार आएगी तब छोटे किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों, उनको हर महीने पेंशन की योजना का प्रबंध किया जाएगा। कर्म पंथ से देश हमारा आगे बढ़ता जाता है, कर्म पंथ से देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। साथियों, यही राष्ट्रवाद की भावना, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता का रास्ता। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो सामाजिक न्याय के लिए दशकों तक संघर्ष किया। अन्याय और जातिवाद के विरुद्ध यहां से ताकतवर आवाज उठी है। यही कारण है कि पहले 2014 में, फिर 2017 में अपने भेदभाव की संकुचित मानसिकता करने वालों को नकार दिया और विकास की नीति को यहां के उत्तर प्रदेश के लोगों ने भरपूर समर्थन किया। यानी दिल्ली दूर है, भ्रष्टाचारियों के लिए दिल्ली दूर है, वंशवादियों के लिए दिल्ली, वंशवादियों के लिए, जातिवादियों के लिए, वंशवादियों के लिए, जातिवादियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, सेना का अपमान करने वाले उनके लिए भी दिल्ली, अस्थिर सोच रखने वालों के लिए भी दिल्ली, प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के सपने सपने ही रहने वाले हैं।